नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद किया है, तभी से पड़ोसी मूल पाकिस्तान है जो बौखलाया हुआ है। चाहकर भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। तमाम कोशिशें की, जब दबाव बनाने में भी असफल रहा तो बौखलाहट में अब पाकिस्तान पीएम मोदी को अनाप शनाप बक रहा है। जी हाँ, इमरान खान यानी कि वहां के वजीर आजम इमरान खान तो पहले ही युद्ध की धमकी दे चुके हैं और अब वहां के तकनीक और विज्ञान के मंत्री फवाद चौधरी हैं, जिन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए हाथ से लेके जबड़ा तोड़ने की धमकी दे दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा भी हम आपको बताते हैं। फवाद चौधरी ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी फासीवादी हैं, जब से दोबारा जीत कर आए हैं तब से बहुत ज़्यादा ही घमंडी हो गए हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो हम अमन के लिए खड़े हैं, और अगर आप जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए खड़े हैं। हम तमाम हालात के लिए तैयार हैं। अगर आप उंगली दिखाएंगे तो हम हाथ तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, और अगर मुक्का दिखाएंगे तो हम आपका जबड़ा तोड़ने का दम रखते हैं। जी हाँ, फवाद चौधरी भारत का जबड़ा और हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा है, तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो कि अब कुछ कर नहीं पा रहा। और उम्मीद कर रहा था कि इस्लामिक देश इस मसले में उसका समर्थन करेंगे, जबकि उलट यूएई की बात करें, बहरीन करें, उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है, और यही तीस अफवाद के मन में है। इसी को लेकर कि आखिर क्यों समर्थन करने के बजाय, पाकिस्तान का समर्थन करने के बजाय इस्लामिक देश मोदी जी को सम्मानित कर रहे हैं, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तब उन्होंने यूएई को बता दिया कि किस तरह से उन्होंने आप पर एहसान किया था। उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने से पाकिस्तान में मायूसी है। हम लोग यूएई को अपना दोस्त मानते हैं, और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि दुबई को बनाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है। कश्मीर विवाद कोई पाकिस्तान की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मानवाधिकार का मुद्दा है। तो फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर को मानवाधिकार का मुद्दा बता दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन होता है, वहां पे कश्मीरियों के साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने खूब कोशिशें की, जब से 370 हटा पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच के व्यापार पर रोक लगा दी, राजनयिक रिश्तों को तोड़ दिया, रेल सेवा से लेकर बस सेवा पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अपने सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्मों पर भी उन्होंने एक तरह से बैन कर दिया। तो जितनी कोशिशें की जा सकती थी पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन अब जो कि 26 सितंबर को खुद इमरान खान यूएई का दौरा करने जा रहे हैं, ऐसे में अब जब वो कश्मीर को लेकर यूएई में अपनी बात रखेंगे तो यूएई का क्या स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।